चलिए नजर डालते हैं बिहार से आ रही इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। पटना में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने से सरकार की उड़ी नींद, पटना रेड जोन में हुआ शामिल। पटना के बोरिंग रोड के शिवपुरी इलाके में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुआ 177। बांका में 36 वर्षीय व्यक्ति पाया गया कोरोना पॉजिटिव। मुजफ्फरपुर के सकरा में डेढ़ दर्जन मरे कौवे मिलने से इलाके में मची हड़कंप। पटना सिटी में अपराधियों ने 20 अप्रैल को देर शाम गोपाल बैंड के पुत्र सनी को गोली मारकर किया हत्या। अपराधियों के खौफ से मृतक का परिवार मकान बेचकर पलायन करने को मजबूर। नवादा जिले के हिसुआ विधायक अनिल सिंह के दो अंगरक्षक निलंबित। दोनों अंगरक्षक को विधायक साथ लेकर कोटा से बेटी को लाने के लिए गए, लेकिन अभी तक विधायक अनिल सिंह पर सरकार नहीं की कोई कार्रवाई। नवादा में कोरोना से लोगों को बचाने में जुटे एसएसबी के जवान, नक्सल प्रभावित इलाकों में किया मास्क का वितरण। नवादा में कोरोना के बीच मुर्गियों में पाया गया बर्ड फ्लू। रजत गांव के मुर्गी पालन केंद्र के 666 मुर्गियों को किया गया नष्ट। नवादा जिले में फिर से नए तरीके से कोरोना वायरस से पीड़ित की जानकारी जुटाने के लिए डोर टू डोर सर्वे का काम हुआ शुरू। नवादा के रजौली क्वारंटाइन सेंटर में 35 लोगों को डीएम ने स्वास्थ्य प्रमाण देकर घर को किया रवाना। नवादा के सिरदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 29 दिनों बाद ओपीडी सेवा बहाल, मिलेगी राहत। नवादा में लॉकडाउन को लेकर बंद पड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करने का जिंदल प्रोजेक्ट मैनेजर प्रशांत कुमार पंडा को डीएम ने दिया निर्देश। नवादा सदर प्रखंड में राशन मांगने गए ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय के कर्मियों ने डंडे से खदेड़कर भगाया। आखिर फरियाद लेकर कहां जाएंगे गरीब। पीटा में रमजान के पवित्र महीने में मुसलमानों के बीच मनेर के अशोक गोप और धीरज कुमार आए आगे। बीटा के जामा मस्जिद गली में गरीब मुसलमानों के बीच राहत सामग्री का किया वितरण। कोरोना को लेकर अरवल जहानाबाद जिला सील होने से मरीज को लेकर घंटों फंसा रहा एम्बुलेंस।